हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन फेज टू का ऐलान कर दिया। और लॉकडाउन फेज टू का ये ऐलान करते हुए मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। मुझे ये बात अच्छी लगी कि इससे पहले तक जो वो ऐलान कर रहे थे वो रात के अंधेरे में कर रहे थे। रात 8 बजे का कोई टोटका था नोटबंदी की तरह, और उस टोटके को लेकर वो चले आ रहे थे। लेकिन हर बार ये टोटका उनका फेल हो रहा था, और जब 3 बार ये टोटका फेल हो गया तो अब मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मोदी जी अब दिन में अपना संदेश लेकर आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आने लगी है कि देश की करोड़ों जनसंख्या को अगर हम रात के अंधेरे में परेशान करेंगे तो बहुत बददुआएं लगेंगी। उसकी बजाय ये है कि उन्हें दिन में परेशान कर लो। तो पहले संदेश में और बाद के संदेश में सिर्फ इतना ही फर्क मुझे लगा कि अब वो दिन में आने लगे हैं, बाकी जनता को परेशान करने वाली बात वहां के वहां है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हमने दूसरे देशों के मुकाबले संक्रमण पर काफी कंट्रोल कर लिया है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कंट्रोल कितना कर लिया है, कैसे कर लिया है, क्योंकि कई लोग ये बोल रहे थे कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कितने लोग कोरोना से ग्रस्त हैं और कितने नहीं हैं। तो मैंने जब ये पता करने की कोशिश की कि भारत में कितने टेस्ट किए गए हैं, और इसके लिए मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट खोली, तो मुझे कुछ खास वहां पर दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती हुई दिखाई नहीं दी। शायद यही वजह थी कि मुझे ये बात समझ में आई कि हमारी भारत सरकार का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो सूचनाएं जो पहुंच रही है जनता के पास में, वो ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है। जनता और मोदी जी के बीच में एक बहुत लंबी खाई है जिसे मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जनता जब समझवाने की कोशिश करती है वो तो उन्हें पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। बहरहाल, तो मैंने जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कितने टेस्ट अब तक हुए हैं इंडिया के अंदर। हाँ, मुझे ये जरूर पता चला कि कितने लोग अब तक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने लोग स्वस्थ हो गए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद मैंने कुछ दूसरे सोर्सेस जो हैं वो अपने वो खंगालने की कोशिश की, और वहां से मुझे एक थोड़ा सा आंकड़ा मिलना शुरू हुआ कि आखिर भारत के अंदर कितने कितने कौन कौन से दिन पर कितने कितने टेस्ट किए गए इस कोरोना से कोरोना को पता करने के लिए। मैंने देखा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजाने का आह्वान किया था 19 मार्च को, उस दिन भारत में 191 टेस्ट हुए थे कोरोना के लिए। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 191 टेस्ट हुए थे। उसके बाद जब 24 तारीख को जब हमारे देश में लॉकडाउन का फेज शुरू हो गया था, फेज 1, उस दिन 157 टेस्ट हुए थे, 157। हालांकि बीच में कुछ स्थिति ठीक थी और उसके बाद में भी स्थिति लगातार बेहतर होती चली गई है। जो 12 अप्रैल का मेरे पास आंकड़ा है वो कहता है कि भारत में 16,374 टेस्ट 12 अप्रैल के दिन हुए, और ये स्थिति पहले के मुकाबले तो ठीक कही जा सकती है, लेकिन जब मैंने दूसरे देशों से मुकाबला करने की कोशिश की तो मुझे पता चला एक बात कि जब मैंने सबसे पहले खोल के देखा अमेरिका की वेबसाइट को, अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट, वो बहुत साफ तरीके से लिख रखा था कि वो देश अमेरिका, ट्रंप का देश, अब तक 29,73,208 टेस्ट कर चुका था कल यानी 14 अप्रैल को सुबह रात को 11 बजे के आसपास। और ये मेरी इंफॉर्मेशन अमेरिका के बारे में थी। मैंने देखा कि वहां पर 16 मार्च को जब हमारे यहाँ इंडिया में लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, उसकी घोषणा भी नहीं हुई थी, जनता कर्फ्यू का भी आह्वान नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका 14-15 हजार 20 हजार टेस्ट ऐसे कर रहा था जितना कि टेस्ट अभी हमारे यहाँ हो रहे हैं, उससे ज्यादा टेस्ट वो तब भी कर रहा था जब हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने ये भी देखना चाहा कि आज की क्या स्थिति, तो मुझे पता चला कि इस दौरान कई कई दिन ऐसे हुए हैं जब अमेरिका ने टेस्ट करने की हदें पार कर दी। अमेरिका ने 4 अप्रैल को 2,29,268 टेस्ट किए थे। ये तब है कि जब अमेरिका की आबादी हिंदुस्तान की आबादी के मुकाबले, मतलब समझिए कि 25% है, करीब 33 करोड़ वहां की आबादी है, तो तकरीबन 25% है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 4 गुने ज्यादा टेस्ट करने चाहिए थे उनके मुकाबले। यानी वो अगर एक एक दिन में एक एक दो दो लाख टेस्ट कर रहे हैं तो हमें शायद 8-8 लाख टेस्ट करने चाहिए थे, लेकिन नहीं। पर मोदी जी तो कहते हैं कि हमने स्थिति को सुधार लिया है। मैंने कुछ और देशों को देखने की कोशिश की। मैंने देखने की कोशिश की इंग्लैंड के क्या हालचाल है, जिसकी आबादी हिंदुस्तान के मुकाबले जो है वो 5
वहाँ हिस्सा है हिंदुस्तान का, मतलब वहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन हमारे मुकाबले, अगर देखें हम उनके मुकाबले आबादी में 20 गुना ज्यादा है, तकरीबन 20 गुना ज्यादा। वहाँ की आबादी बहुत कम है, अगर देखें तो 7 करोड़ से भी कम वहाँ पर आबादी है। लेकिन उस आबादी में भी वो जो है अब तक 3,82,000 टेस्ट कर चुके थे, ये 14 अप्रैल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान में तब तक जो टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या मुझे वेबसाइट से मालूम पड़ी कि हम तकरीबन अब तक 2 लाख ही टेस्ट कर पाए हैं। इंग्लैंड जिसकी आबादी हमारे मुकाबले पांचवा हिस्सा है, तो वो 3 लाख यानी करीब 1.25 लाख 1.25 लाख टेस्ट वो कर चुका था इंग्लैंड। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग जितने टेस्ट हम आज कर रहे हैं रोजाना, उतने टेस्ट लगभग इंग्लैंड भी 8-9 तारीख तक कर रहा था। इसका मतलब ये कि जिसकी आबादी हमसे पांचवा हिस्सा है, हमारा हमारा पांचवा हिस्सा है, वो अगर 20-20 हजार टेस्ट कर रहा है एक एक दिन में, तो हमें तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा टेस्ट करने थे, 1-1 करोड़ टेस्ट करने थे। सॉरी मैं 1 करोड़ ज्यादा बोल गया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले हमें बहुत ज्यादा टेस्ट करने चाहिए थे। फिर मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर और भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से बड़ी डिटेल में लिखा हुआ था कि कितने कितने वहां पर टेस्ट हुए हैं, किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जद में आए हैं इसके। वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि करीब 3,60,000 टेस्ट वो लोग 14 तारीख तक कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया जिसकी आबादी के हम उनके मुकाबले करीब 56 गुना ज्यादा आबादी हमारी है हिंदुस्तान की, तो वो देश 3,60,000 टेस्ट कर चुका था। अगर 3,60,000 का 56 गुना लगाएं तो कितना हो जाएगा, उतने टेस्ट इंडिया को कर लेने चाहिए थे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे से अगर हम तुलना करें तो। लेकिन खैर मोदी जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है, तो चल रहा होगा सर। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ और दूसरे देशों के बारे में भी जानना चाहा। मैंने जानना चाहा रूस के बारे में, रूस जहां की आबादी हमारे मुकाबले काफी कम है। रूस 2 अप्रैल को 1,29,500 टेस्ट कर चुका था, रूस 8 अप्रैल को 1,14,700 टेस्ट कर चुका था। उसी तरीके से रूस ने जो है 12 अप्रैल को 1 लाख टेस्ट कर लिए थे। हर दिन वो हमारे मुकाबले कईयों गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है, जबकि हमारे मुकाबले उसकी आबादी कुछ भी नहीं है। मैंने साउथ कोरिया के बारे में देखा है, साउथ कोरिया जिसने अपने यहाँ कोरोना के टेस्ट को लॉकडाउन को हमारी तरह बहुत सख्त न करते हुए भी बहुत आसानी से उन्होंने सॉल्व कर लिया है, अपनी प्रॉब्लम को काफी कंट्रोल कर लिया है। वो भी बहुत अच्छा उनका एवरेज है टेस्ट के मामले में, लगभग हमारे जैसा ही। 31 मार्च को 15,370 टेस्ट किए हुए थे और लगभग 10-12 हजार टेस्ट उनके रोज के लगभग चल रहे हैं काफी दिनों से। 24 मार्च को 10,546 टेस्ट वो कर चुके थे। तो इस लिहाज से देखें, जबकि उनकी आबादी हमारे मुकाबले कुछ नहीं है, हमें बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए था। मैंने तुर्की के बारे में देखा, तुर्की एक एक दिन में 21,000 28,000 35,000 34,000 टेस्ट कर रहा है, तो हम उसके मुकाबले उस हिसाब से देखें तो कुछ नहीं। इसके अलावा मैंने देखा कि कुछ और ऐसे देश थे जिन्होंने बड़े प्यारे तरीके से अपने देश की स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है उसे बहुत बेहतर तरीके से आंकड़े दे रखे थे। जैसे आइसलैंड, छोटा सा देश है माना, लेकिन बहुत साफ सुथरे तरीके से उन्होंने बता रखा है कितने इन्फेक्शन टोटल अब तक हुए हैं, कितने लोगों को आइसोलेशन में भेजा जा चुका है, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितने लोग आईसीयू में हैं, कितने लोग स्वस्थ हो चुके हैं, क्वारंटाइन कितने लोगों को किया गया है, कितने लोगों का क्वारंटाइन कंप्लीट हो चुका है, कितने सैंपल्स टोटल लिए गए हैं, तो इसकी डिटेल वहां पर है। इसी तरीके से एक और प्यारा सा छोटा सा देश है जिसका नाम है एस्टोनिया, तो एस्टोनिया ने भी अपनी वेबसाइट पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता रखा है, चार्ट के जरिए भी बता रखा है कि कितने कितने टेस्ट उन्होंने किए हैं, किस किस प्रदेश में उनके यहाँ पर कितने कितने टेस्ट हुए। ये बहुत साफ सुथरे तरीके से बड़े पारदर्शी तरीके से उन्होंने अपने देश के लोगों को और दूसरे देश के लोगों को भी बता रखा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे देश में कुछ राज्यों की स्थिति ठीक हो, मैंने उत्तर प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोली। मैं बहुत देर तक खोजता रहा लेकिन कुछ खास मुझे समझ में आया नहीं। कई जगह पर वहां पर लॉग इन करने की बड़ी जरूरत होती है, तो बहुत आसान नहीं था वहां पर आंकड़ों को ढूंढना, और मुझे तो खास आंकड़े पता नहीं चले, ये तो पता ही नहीं चला कि कितने टेस्ट हो रखे हैं। कुछ और स्टेट्स का भी ऐसे ही मैंने हाल देखने की कोशिश की, कुछ खास मुझे जानकारी हासिल नहीं हुई। उसके बाद मैंने केरला का हाल देखने की कोशिश की, जहां पर हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई कोरोना का केस पाया गया था, और मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ा गर्व हुआ कि केरला की सरकार ने बहुत साफ सुथरे तरीके से वहां पर ये बता रखा था एक एक चीज कि वहां पर कितने लोग आइसोलेशन में हैं, कितने टेस्ट किए गए, उन्होंने सारी चीजें बड़ी तरीके से बता रखी थी। उन्होंने बता रखा था कि 16,235 उन्होंने लगभग
टेस्ट किए हैं जिनमें से 15,488 जो है वो नेगेटिव आए, ये उनकी रिपोर्ट थी वहां पर। इसके अलावा उन्होंने ये बता रखा है कि कितने कितने केस कहां कहां से उनके पास आए हैं, कौन कौन से शहर में आए हैं, टेस्टिंग का तो खैर यहाँ पर था ही। उसके अलावा एक चीज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, वो ये थी कि न केवल वहां पर टेस्टिंग के बारे में जानकारी दे रखी थी केरला की वेबसाइट पर, बल्कि उन्होंने ये भी बता रखा था कि वहां पर लोगों को आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे भी ज्यादा बढ़कर उन्होंने ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वहां पर जो लोग आइसोलेशन में हैं, जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, या जो लोग एक पैनिक की वजह से परेशान हैं, उनके लिए मनोवैज्ञानिकों का, मनोचिकित्सकों का सपोर्ट भी वो टेलीफोन के जरिए दे रहे हैं। उनका बताना था कि 1,058 ऐसे प्रोफेशनल्स जो हैं वो टेली काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की जो आइसोलेशन में हैं, 1,95,161 ऐसे लोग जो क्वारंटाइन में हैं या आइसोलेशन में हैं, उनको फोन कॉल के जरिए अब तक सलाहें दी गई हैं कि कैसे वो काम डाउन रहें, कैसे वो अपने आप को इस पैनिक से बचा के रखें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 3,42,400 टेली कॉलिंग इस तरीके की अब तक हुई हैं, जिनमें लोगों को इस बीमारी के दौरान जो पैनिक है, जो एक मानसिक प्रताड़ना है, जो मानसिक समस्या है, उससे निजात दिलाने के लिए भी वहां पर प्रयास चल रहे हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई केरला के बारे में। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब तक स्थिति साफ नहीं होगी टेस्टिंग की, तब तक हम लोग कुछ बहुत ये साफ कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ इंडिया में कोरोना अभी केसेस जो है वो कंट्रोल में हैं या नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो टेस्ट हुए हैं वो हुए हैं महाराष्ट्र में। वहाँ 2,684 टेस्ट जो है वो 15 अप्रैल तक हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो 2,684 वहां पर जो है केसेस निकल कर आए हैं अब तक कोरोना के, जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बाकी टेस्ट सबसे ज्यादा भी वहीं पर हुए हैं और इसी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोगों की बात पता भी चली है। अगर यूपी की बात करें तो टेस्ट करने के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं और फिर केसेस के मामले में भी हमें कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई है, तब भी 660 केसेस यहाँ पर पता चल चुके हैं। केरला की बात करें तो टेस्टिंग भी उन्होंने खूब बढ़िया की है। भारत में अगर देखें जाए तो टेस्टिंग करने के मामले में वो जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और लेकिन जो जो केसेस हैं वहाँ पे, इन्फेक्शन के जो केसेस हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में 10वीं रैंक है, जबकि शुरुआत वहीं से हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है काफी हद तक। तो मेरा कहना सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हों, एक तो ये स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट करें अपने भी सोर्सेस से कि कितने केसेस, कितने टेस्ट हुए हैं इंडिया में। दूसरा, जो लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हैं या जो नहीं भी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करें कि प्लीज आप हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर साफ साफ बताएं कि कितने कितने टेस्ट हो चुके, कहां कहां हो चुके, उसकी स्पष्ट हमें जानकारी दें। हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अगर पारदर्शिता रहेगी सरकार और जनता के बीच बातचीत में, उन इंफॉर्मेशन में, तो वैसे पैनिक क्रिएट नहीं होंगे जैसे कि हो रहे हैं, वैसी अफवाहें नहीं उड़ेंगी जैसी उड़ रही हैं। मेरा आप सब लोगों से बस यही कहना है कि ये टेस्ट की हमें जानकारी मिल पाए, कितने टेस्ट होने और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हों, सरकार पर इस बात का दबाव बनाएं। शुक्रिया।